हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि, आपका दोस्त। हमारे लॉजिटेक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जरूरतमंद लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो जरूर शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिले तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक वीडियो बनाने में दोस्तों काफी मेहनत करते हैं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे लाइक जरूर देंगे। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिक्स बीमारी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इस बीमारी को एपेंडिसाइटिस कहते हैं। यह एक क्रोनिक बीमारी है, यानी एक बार लग गई तो बिना सर्जरी यह ठीक नहीं होता। बात करते हैं अपेंडिक्स के लक्षण के बारे में। अपेंडिक्स का क्या क्या लक्षण हो सकता है? नाभि के नीचे या ऊपर पेट के पास हल्का दर्द, जो पेट में दाहिने तरफ नाभि से दाहिने तरफ होता है। अपेंडिक्स का दर्द, पेट में दर्द शुरू होने के बाद जी मचलना या उल्टी होना, इस तरह की समस्या आती है। पेट में गैस बनना, साथ ही कब्जियत रहना, ये अपेंडिक्स का लक्षण है। पेट में सूजन हो जाना, भूख कम लगना, बुखार रहता है, ठंड लगता है, उल्टियां होती है, ये सारे अपेंडिक्स का लक्षण है। इस तरह की कोई समस्या आपको नजर आए तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। अपेंडिसाइट एक आम मेडिकल कंडीशन है। जैसे अपेंडिस नाम के अंग्रेजी शब्द का प्रयोग होता है। अपेंडिस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है जो आंत से जुड़ा है। अपेंडिस में सूजन के कारण सूज जाता है। यह स्थिति दर्द, बुखार, पेट में सूजन, उल्टी लक्षण पैदा करता है। अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो अपेंडिस पेट में फट सकता है। मरीज को पेट में इन्फेक्शन हो सकता है और उसके बाद मरीज का जीने और मरने का स्थिति का नौबत आ जाती है। यदि आपको लक्षण इस तरह की नजर आती है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। हालांकि यह समस्या तब गंभीर हो जाती है जब थोड़ा उछलने के कारण या फिर तेज खांसने के कारण या फिर तेज चलने के कारण, दौड़ने के कारण भी दर्द होने लगे। अपेंडिस पर सूजन आने के कारण यह पेट में फट भी सकता है। इसके अलावा अगर रोगी महिला है और गर्भवती है तो दर्द में वृद्धि हो सकती है। अपेंडिस की बीमारी से बचने के लिए अधिक से अधिक फाइबर वाले फूड्स, हरी सब्जियां, भरपूर मात्रा में पानी पिए, जंक फूड का सेवन न करें, अल्कोहल और स्मोकिंग से परहेज करें। आपकी स्थिति के आधार पर अपेंडिसाइटिस के लिए डॉक्टर कई तरह से उपचार कर सकते हैं। यदि आपका अपेंडिस आज ही हल्का सूजा है तो आपको शुरू में डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा इसमें पहले कुछ दिन एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, पेन किलर दी जाती है और आपको लिक्विड डाइट पर रहने की सलाह दी जाती है। यदि इससे नहीं होता है ठीक तो आपको सर्जरी करवानी होती है। यह एक ऐसी बीमारी है जो बिना सर्जरी का ठीक नहीं होता है। अपेंडिस हर किसी के पास होता है। जिसको अपेंडिस में सूजन हो गया उसको अपेंडिस का बीमारी हो गया। कुल मिलाकर यह बात साफ है कि अपेंडिस का कोई खास और जरूरी काम का पता नहीं है। यदि आपको अपेंडिस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए आप। धन्यवाद दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारा कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपसे मिलेंगे कि नई वीडियो का। धन्यवाद।